ऐसा क्या है जो आपने दिया पर मैंने लिया नहीं? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? यही चीज समझने के लिए ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट है. गौतम बुद्ध यूजुअली यूज टू गो ऑन हिज यू नो चैरिटी, और यू नो जब वो एम्स लेने जाते थे, अपनी जो है भिक्षा लेने जाते थे, तो दे ही वॉज यूजुअली अकम्पनीड बाय अदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स. एंड पीपल यूज टू गेट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गौतम बुद्ध इज कमिंग. यूजुअली वो अपने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ ही जाया करते थे. और ऐसे कई गांव हैं जिसने कभी, जिनमें लोगों ने कभी गौतम बुद्ध को एक बार देखा भी नहीं, मगर वो इस ट्रूप की वजह से, बिकॉज ही यूज्ड टू कैरी यू नो अलॉन्ग विद हिम सो मेनी पीपल, दैट लोगों को पता चल जाता था कि ये गौतम बुद्ध की टोली आई है जो भिक्षा लेने आई है. बट एक दिन सुबेरे उठते ही गौतम बुद्ध सेड कि ओके नो नन ऑफ माई डिसाइपल विल अकम्पनी मी टूडे. Today I really want to go all by myself. चलिए, तो उनको तो कोई मना कर नहीं सकता. वो अपनी आर्म्स लेने के लिए, अपनी भिक्षा लेने के लिए वो निकल पड़े. Now when he started, he went on from one place to another and nobody recognized him because like people thought like ये एक नॉर्मल से बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि आर्म लेने आए हैं. तो हर बंदे ने जो भी उसकी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको एल्म्स दिए, किसी ने राइस दिया तो किसी ने व्हीट दिया एंड सो ऑन. बिहार के एक छोटे से गांव में वो चलते चलते शाम तक पहुंच गए. अभी तक लोगों ने उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया था. अब इस नए गांव में जब वो पहुंचे, इस बिहार के छोटे से गांव में, वहां पर इन्होंने देखा कि एक आदमी जो है अपने घर के चौखट पर बैठा है, थोड़ा सा डेस्परेट है. तो ये पर्पसली उसके पास चले गए, और जब वो गए तो देखा कि दिस पर्सन, व्हेन ही सॉ द मॉन्क, वो बहुत गुस्से में आ गए. वो आदमी पूरी तरीके से अपना होश खो बैठा, और ही वॉज, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ड्रंक, और वो मेंटली भी सही नहीं लग रहा था, स्टेबल नहीं लग रहा था, बिकॉज शायद वो कोई डिप्रेशन में या कोई परेशानी थी उसको, कुछ एंग्विश था उसके अंदर. ही स्टार्टेड टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट मॉन्क्स. He started talking bad things about the people who come to ask for charity or alms. और उसने बहुत insult करके गौतम बुद्ध को वहाँ से जाने के लिए कहा. गौतम बुद्ध said nothing. He smiled and walked away as his nature was. हम सबको पता है कि सबसे पीस का जो सिंबल है उन्हें इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने कुछ पलट के जवाब दे दिया. जब वो आगे गए तो कुछ गांव के लोग इकट्ठा हो गए. उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जो है भीख वीख नहीं मिलेगी, आप यहां से जाएं. और उन्होंने काफी उल्टा सीधा उन्हें कहा. तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा, आप इस गांव के चीफ हैं, मुखिया हैं. सो ही लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, पर्टिकुलरली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. वो उस गाँव के बाहर निकल गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए. कुछ समय बाद वहां के किसी ओल्ड मैन ने उन्हें वहाँ देखा और रिकग्नाइज किया, बिकॉज वो पहले भी जा चुका था, मिल चुका था उनको. उसने उनको प्रणाम किया एज यू नो शोड हिज ग्रीटिंग्स, और उनसे पूछा कि उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं. तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ के गांव वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया है. ही फील सो रिग्रेटफुल कि वो उस गाँव का मेम्बर है, सो मच सो दैट कि वो भागते हुए वहाँ के मुखिया के पास गया और उसे बताया कि ये गौतम बुद्ध हैं जो हमारे विलेज में आए, हमारा विलेज का जो उद्धार हो जाएगा. What you need to do is just ask for forgiveness. वो तुम्हें माफ कर देंगे. तो उन्होंने कहा कि हमने तो बाद में ये सब किया, इससे पहले तो अरे वो जो कुम्हार है उसके घर पे गए थे और वो बाहर बैठा हुआ था, ड्रंक था, और उसने उल्टा सीधा बोला. बाद में जब हमें पता चला तो उसने कहा कि वो जो है भिक्षा लेने आया था और वो गुस्से में था, तो हमें लगा कि शायद ये गलत आदमी है, इसीलिए हमने डांटा. तो वो कुम्हार के पास वो ओल्ड मैन गया और उसने बोला कि भाई तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुम्हें पता है तुमने गौतम बुद्ध की इंसल्ट की है, तुमने उनको इतना उल्टा सीधा कैसे कह दिया, जाओ उनके पाँव में गिरो और जाके माफी मांगो, जैसे कि ओल्ड बिलीव है. ही रश्ड टुवर्ड्स दैट पीपल ट्री जहाँ गौतम बुद्ध अपने आराम से बैठे हुए थे ध्यान लगाकर, और उनके चेहरे पे दैट स्वीट सी स्माइल व्हिच इज एन इंडिकेशन ऑफ पीस देखी जा सकती थी. वो लोग खड़े हो गए इंतजार में कि जब वो अपनी आंखें खोलेंगे. जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वुड यू बिलीव व्हाट हैपेंड, ही केप्ट ऑन स्माइलिंग एंड द पीपल स्टार्टेड लाइक माफ कर दीजिए गलती हो गई, दैट यू नो रिग्रेटफुल जो अप्रोच होता है अफसोस वाला, उनके पाँव में गिर गए. उन्होंने सबको उठाया और
कहा कि किस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। यानी कुछ घंटे पहले जब दोपहर में भरी कड़कती धूप में जब हमारे पास आप शाम के वक्त धूप ढल रही थी और आप हमारे पास आए हमारे गांव में, तो हमने आपकी बड़ी इंसल्ट की, आपको बहुत उल्टा सीधा कहा, आपको बुरा नहीं लगा, हमें आप माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हम नहीं जानते थे कि आप गौतम बुद्ध है, जनरली आप लोगों के साथ आते हैं, और उन्होंने अपनी बात कही। गौतम बुद्ध वॉज लाइक सरप्राइज, ही सेड तुमने दिया, मैंने लिया नहीं। क्या दिया? तुमने मुझे इंसल्ट्स दी, तुमने मुझे अब्यूसेस दी, तुमने मुझे कर्सेस दिए, बट मैंने लिया नहीं। तो वो तुम ही को इफेक्ट कर रही थी, मुझे नहीं। तुम गुस्से में थे और तुम्हारा ही खून जल रहा था, तुम गुस्से में थे, तुम अपने लिए ही बुरे कर्म इकट्ठे कर रहे थे। उससे मेरी आत्मा पे कोई चोट नहीं लगी, मेरी आत्मा ने वो सब कुछ लिया ही नहीं, मैंने स्वीकारा ही नहीं। Everybody at that point of time was stunned. हर कोई आश्चर्यचकित था, including me when I read this story. And I included this in my life. What did I include? When people say bad things about you, in front of you, in at your back, it makes no sense. Because if you make an approach of life not to take it here, and how is it possible? Yes. Keep smiling. It's a very easy task. Keep smiling. But when somebody is hurling abuses, then also you have to make it a point to keep smiling because tumne diya par maine liya nahi. If you like my stories, please forward them to more people and do subscribe my channel if you're watching this video for the first time to see more stories and getting motivated. And yes, I would love to have more friends in my life. And thank you. Bye-bye.